लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फ्रांस के नोर्ड-पास-डी-कैलेस क्षेत्र में स्थित यह घर पिछले 20 साल से खाली पड़ा है। हाल ही में नीदरलैंड बेस्ड वेकेंट फोटोग्राफी के कुछ फोटोग्राफर्स ने घर के अंदर की फोटोज क्लिक की है। बाहर से ऐसा दिखने वाले इस घर के अंदर का नजारा देख कर पहली बार में यकीन करना मुश्किल है। फोटोग्राफर्स ने बताया कि 1998 से यह रहस्यमय घर खाली पड़ा है। हालांकि घर के अंदर का सारा सामान आज भी सुरक्षित है। उनका कहना था कि एक लोकल एस्टेट एजेंट इस घर को बेच रहा है और उसने इसकी कीमत 96 लाख रुपए करीब 1,15,000 पाउंड बताया है। फोटोग्राफर्स का कहना था कि अंदर का नजारा देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह घर 20 साल से खाली पड़ा है, क्योंकि किचन से लेकर बेडरूम में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें आज भी उसी हाल में हैं जैसे 20 साल पहले थी। उन्हें किचन के अंदर 1998 का एक कैलेंडर भी मिला जो आज तक दीवार पर टंगा हुआ था। फोटोग्राफर्स ने घर के लास्ट ओनर के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। लेकिन सबके मन में यही सवाल था कि इतने साल से ये घर खाली क्यों पड़ा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं 20 साल से खाली होने के बावजूद घर का सामान कितना प्रिजर्व है, इसके बारे में भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। लेकिन सबके मन में यही सवाल था कि इतने साल से ये घर खाली क्यों पड़ा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं 20 साल से खाली होने के बावजूद घर का सामान कितना प्रिजर्व है।